भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज नूतनावा विधानसभा के गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की। वहीं महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 3 मार्च को मतदान होना है। नामांकन खत्म होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं का जन समर्थन जुटाने के लिए प्रचार प्रसार में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नूतनावा कस्बे के व्यापारियों के साथ मैरिज हॉल में सीधे जनसंवाद किया और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजना पर चर्चा करते हुए बीजेपी निषाद गठबंधन के प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। व्यापारियों के साथ जन संवाद कार्यक्रम में मतदाताओं से चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। सरकार ने बिना किसी भेदभाव के साथ समाज के हर वर्ग का विकास करने का काम किया। प्रदेश से आज गुंडागर्दी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने व्यापारियों के साथ करने के बाद कहा कि व्यापारी हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो या फिर 2022 का चुनाव जो चल रहा है। व्यापारी हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं और नूतनावा के व्यापारियों ने भी एक बार फिर से बीजेपी का साथ देने का वादा किया है। श्री संतोष जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आवे और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का माला का स्वागत करें। दोनों माफियाओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी राकेश मधेसिया को रोकने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अपने परिवार के सहारे हमारी माताओं को बहनों को भावुक करके आप लोगों को गुमराह करके इन्होंने फिर से अदला बदली का खेल किया। हॉस्पिटल का जो उद्धार का है टीकापड़ी हुई है, अब मौसम भी है, अभी जब तक हो रहा है तब तक मैं काले शब्दों में उस पर मेरा ध्यान विचार व्यक्ति हो तो ही ब्लॉक प्रमुख बन सकता है, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारे नेता माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में के बाद अभी हाल ही में शहमापुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। नौतनवा विधानसभा में आज उत्तर प्रदेश में लगभग 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। 17 क्या आप व्यापारियों के साथ बैठक किए, किस तरह की बैठक हुई और किस तरह का समर्थन मिल रहा है व्यापारियों? देखिए, समाज के सभी वर्गों के पास हम लोग जा रहे हैं। आज तय हुआ था कि व्यापारी भाइयों के साथ बैठा जाएगा और उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा और यथासंभव उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया जाएगा और उनकी जो दुख दर्द है उसको सुन करके उचित जवाब देने का हम लोगों ने काम किया। क्या व्यापारियों से किस तरह का समर्थन मिला? व्यापारी भाई सब लोगों ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग किया था। 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में मैंने अपील किया है, उनसे आश्वासन मिला है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हम लोग करने वाले हैं। चार चरण का चुनाव हो गया, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है बीजेपी? देखिए, 3 चरण का चुनाव का तो मुझे मालूम है, अभी चौथा चरण आज पड़ा है। आज मैं चूंकि क्षेत्र में था, अभी मैं समाचार या अपने संगठन के लोगों से वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन 3 चरण के चुनाव के रिजल्ट से मैं बता सकता हूं कि जो आपके मीडिया की भी रिपोर्ट है, जो आप लोग वाइट लेते हैं पोलिंग के बाद उसको भी आप देखें और जो हमारा संगठनात्मक रिपोर्ट है उसके आधार से पहले से कहीं ना कहीं बेहतर हम करने जा रहे हैं। देखो, यूपी में तो सब बा, खाली गुंडा राज नहीं बा, दंगा वाला प्रदेश नहीं बा, बिजली भी बाटे, सड़क भी बाटे, हॉस्पिटल भी बाटे, यूपी में सब बा।